सागर जिले की जनपद पंचायत रहली की ग्राम पंचायत कदला मुर्गा में शासन द्वारा राज्य वित्त आयोग से चबूतरा निर्माण के लिए 1,66,000 रुपए स्वीकृत किए गए थे, जिसमें चबूतरा निर्माण कर देवी देवताओं की प्रतिमाएं विराजमान की गयी। परंतु उक्त चबूतरे पर जीर्णोद्धार का पत्थर शासन व क्षेत्रीय विधायक निर्माण एजेंसी लागत राशि का न लगकर सहायक सचिव अभिषेक पांडे ने अपने पूर्वजों के नाम का पत्थर लगा दिया। यादव की चंद्रभान पांडे सचिव के पद पर नियुक्त हैं, जो अपने कार्य क्षेत्र में कभी कभार ही जाते हैं और पंचायत का सारा कार्य सहायक सचिव पांडे ही देखते आ रहे हैं। जहां शासन के नियमों के विरुद्ध ऐसे कार्यों को अंजाम देकर क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि एवं संबंधित का नाम पत्थर पर देना उचित नहीं समझते। यादव की यह कारनामा नेता प्रतिपक्ष पंडित गोपाल भार्गव की विधानसभा क्षेत्र का है। मुर्गा जो बोकरा रहता है गुलू मरा, अब जो अब जब उस बुआ जैसे वो जो कंप्लीट भैया हाउ शासन को बना भैया बनाओ सचिव हाउ जी सचिव महाराज गुलू मरा सचिव महाराज चंदोला। वहीं जब इस संबंध में नगर पंचायत सीईओ रहली से बात की गई तो उनका कहना था कि अगर शासन द्वारा राशि दी गई है तो उक्त निर्माण कार्य के लिए उस पर शासन का ही जीर्णोद्धार का पत्थर लगना चाहिए था, अगर ऐसा नहीं हुआ है तो उचित कार्रवाई की जाएगी। यहां सोचने वाली बात तो यह है कि जहां एक ओर गली गली गांव गांव में पंडित भार्गव द्वारा जो भी निर्माण कार्य किए गए या कराए जा रहे हैं उन पर पंडित गोपाल भार्गव के कर कमलों के पत्थर लगे हुए हैं, परंतु मुर्गा गांव में कुछ अलग ही देखने एवं सुनने को मिल रहा है। अब देखना होगा कि खबर दिखाई जाने के बाद प्रशासन द्वारा इस मामले में क्या एक्शन लिया जाता है। आप देख रहे हैं अथर्व न्यूज, खबरें देखकर करते हैं सोचने पर मजबूर। सागर से ब्यूरो रिपोर्ट।